स्वीट सी गुड मॉर्निंग के साथ एक और साड़ी के वेलकम करते हैं। देखिए विद चुनरी कितनी प्यारी साड़ी है और आप इसी तरह मेरी साड़ियों का एंजॉय करते रहिए। चलिए तो बताइए आपको कैसा लगा चूड़िया बिंदिया और ये गले का नेकलेस और ये मेरा फेवरेट। आ जाओ। पीछे को। यही साड़ी एक नए लुक के साथ रेडी है और ये है थोड़ा कोलकाता लुक जो मैंने इस तरह बांधी है। उसके बाद ओपन पल्लू में सीधे पल्लू की साड़ी और यहाँ करते हैं कहीं घूमने की तैयारी। चलते हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने दिन के लिए रुकेंगे, ब्लॉग्स रेगुलर आते रहेंगे। अभी फर्स्ट डे स्टार्ट है तो चलिए चलते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ। रात के बज रहे हैं 11 और हम आए हैं अपने ये एक नए स्टे के लिए। मैं जा रही हूँ हिल स्टेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी है बच्चों की, तो हम जाएंगे घूमने के लिए और अब हम आए स्टे कर लिया है। और ये है एक फैमिली ढाबा, काफ़ी अच्छा। जाम रुके हुए हैं हाईवे पे, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। बस अब कुछ खाते पीते हैं फिर मिलेंगे आपको जल्दी ही आगे की अपडेट में दे सकती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सुबह की गुड मॉर्निंग आपको। एरिया जहाँ पर हम रुके हुए हैं ये है हमारा वाला रूम और यहाँ पर अभी बच्चे सोए हुए हैं। तो हम तो नेचर के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो मॉर्निंग में उठ के अगर यहाँ सोने आते तो जबकि अलग की बात है। और सुबह सुबह की आरती वगैरह ले लिया और मैं सुनील जी आ गए हैं छत के ऊपर। छत का व्यू बहुत ही सुंदर था, दूर दूर तक पहाड़ियाँ। देखिए यहाँ पर नेचुरल आम लगे हुए हैं और आम भी कितने बड़े बड़े आम हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। तो हम तो ग्रीनरी के साथ काफ़ी खुश होते हैं मॉर्निंग का सूरज देखने के लिए। हम आ गए थे छत पे, छत काफ़ी बड़ी थी और उसके बाद देखिए पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। सुनील जी यहाँ पे थोड़ी सी हरकत दिखा रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला कि चलो ताजे ताजे आम का तोड़ के और तब खिलाता हूँ आपको, तो वो ये करने लगे थे। मैंने कहा मत छेड़ो। और देखिए कितना प्यारा। हाय बोली। कैसे? कोई बात ना, है नहीं तो अब तुझे क्या करना, नहा के आराम से बैठे रिलैक्स। हम आए थे यूके मींस उत्तराखंड और हरिद्वार से लगता हुआ वो था जो हम घूमते रहेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नहाने का घाट कौन सा अच्छा है, जो पर्सनल घाट होगा उसी पे हम नहाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर पानी इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा घाट था जहाँ पर हमने यहाँ पर
अपनी रील्स भी बनाई थी, इंस्टा पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा एनवायरनमेंट था जहाँ पर हम आए थे। तो देखिए ये शंकर भगवान की एक सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर, और बहुत ही प्यारी जगह थी, बिल्कुल साफ सुथरी थी। तभी हम यहाँ पर नहाने के लिए रुके हैं और बहुत ही ठंडा। हाय एवरीवन, देखिए शिव शंभु भोलेनाथ आ गए हम इसके। और ये रहे सुजल सेजल, देखो और देखिए बहाव कितना तेज है। देखो देखो, हाँ करो डुबकी लगाओ। देखो तैरने की कोशिश नहीं सुजो, और यहाँ तैरने की कोशिश बिल्कुल ना करे क्योंकि तेज बहाव है। तो आइए जल में आप प्रेशर कराते। इतना ठंडा क्यों है ये पानी? यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, और यहाँ हम बस बस हो गया। अरे वापस आ रहा है। देखो देखो नहीं जा रहा, आप देखो असली तैरना की जगह था। क्यों इंसान कहाँ तैर, अरे वाह अरे भाव देखो, ये देखो उधर जा रहा है और उधर से इधर से इधर आ रहा है। नमक यहाँ कर लिए थे मैंने कपड़े वगैरह चेंज। काफ़ी अच्छी जगह थी, ठंडा ठंडा पानी था, बच्चों ने काफ़ी मस्ती की, और उस मस्ती के साथ साथ मैंने बनाई थी बहुत सारी रील्स और सुनील जी के साथ, पूजा सुनील शर्मा, आपको इंस्टा आईडी मेरी पता ही है। और उसके बाद फिर हम जल नहीं लेंगे आज, क्योंकि हम 2-3 दिन स्टे करने वाले हैं। हमारा रेस्टोरेंट जो है वो इसके बिल्कुल ही फ्रंट ऑफ है, तो हम जब भी मन करता है तो बाथरूम में नहीं नहाते हैं, यहीं नहाते हैं इसी घाट पे, क्योंकि अगर बाहर आए हैं और फिर रूम में नहाएं तो फिर क्या फ़ायदा। तो चलिए करते हैं अपने इन्हीं दिनों को व्लॉग को, मस्ती करते रहेंगे। ये अभी बच्चों के स्कूल नहीं खुले थे ना, तो हमने सोचा डिसाइड किया था कि अभी चलेंगे, ताकि जब स्कूल की पढ़ाई स्टार्ट होंगी बच्चे उसके बाद ही स्कूल जाएंगे, तो 2-4 दिन क्यों ना अपने बच्चों के साथ मस्ती के दिन गुजारे जाएं, क्योंकि छुट्टियां फिर कंटिन्यू चलती रहेंगी कुछ ना कुछ कैसा ना कैसा। तो चलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, सबकी दुनिया इसी तरह खुशहाल से भरी रहे और मेरे व्लॉग आप इस तरह कंटिन्यू देखते रहें। चलिए करते हैं अपने सफ़र को एंजॉय। अब हो गया हमारा नहाना, घाट मैंने आपको दिखाई था। आइए रे हम सब, वाओ सुजा सुजा, कितनी ठंडक है यहाँ पर। हर हर बोले, बहुत अच्छी राहत है, और जैसी भी अपडेट होती होगी मैं आपको देती रहूँगी। घाट बिल्कुल पास ही है, रेगुलर हम यहाँ नहा धो सकते हैं। और
ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट टाइमिंग। ब्रेकफास्ट में है चाय है, कॉफ़ी है, पोहा है, खिचड़ी है, दलिया है, और सुबह के नाश्ते में टोस्ट है, सैंडविच है। जिसका जो मन करे वो ले सकता है। यहाँ कार्यक्रम में आए हुए थे, जो फंक्शन है उसके लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो सुबह मॉर्निंग में ले के और चलिए करेंगे। हाय एवरीवन, देखो हो गए हम रेडी नहा धो के, और ये सब देख रहे हैं मैंगो, बहुत अच्छा। और मैं दिखाऊंगी गोल्डन कलर की साड़ी के साथ। एक बार क्लोज है, क्लोज है नहीं, इधर साइड से जो हाँ। और बड़े वाले देखिए यहाँ पर, और आज हम ना पूरी एरिया मतलब पूरा वो दिखाने वाली हूँ आपको व्यू, और मैं दिखाऊंगी देखो पहाड़ियाँ कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ। मैं कहा व्यू बहुत ही प्यारा है, और मैं चाह रहा आपको दिखाऊं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बच्चे थे ना, उस समय धरती पर विकार पैदा हो गया, अहंकार में, मद में, लालच में, धन में, शक्ति में। आज जिसकी फर्स्ट बर्थडे है उसी सब हम आए हैं इस फंस में, कुछ इस तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया, वो माफ होगा। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उनका उद्धार, गोल्डन साड़ी का ब्लॉग उसके साथ ये वाला और ये वेस्ट ने और लेफ्ट ने दिया हुआ क्या है, ताकि सनातन समाज ब्राह्मण और क्षत्रिय में बट कर एकता हो लगातार इस तरह से। उन्होंने अत्याचार से जैसे राम ने रावण का उद्धार किया। आप किसी तरह की वीडियो एंजॉय करने के लिए किसी भी टाइम मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपसे इसी तरह से कंटिन्यू बातें करती रहूंगी। आगे भी ये सफर इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, मिलते रहिए अपने साथ। And second, ये ना इस तरह से फोल्ड किया, ये देखिए कुछ इस तरह से, और फिर उसके बाद ये हैंकी को आप चाहे इस तरह से देखिए रुक लेंगे, तो फिर उसके बाद आपको इस तरह को करना पड़ेगा इसका गैटअप, और फिर दुपट्टे को बहुत सी जो पल्लू में यूज करती है और कुछ इस तरह से